दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि टाटा ग्रुप एक ऐसा बिजनेस ग्रुप है जो सिर्फ बिजनेस पे ध्यान नहीं देता, वो कंट्री के लिए काम करता है, वो सोसाइटी के लिए काम करता है, वो सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग और अपना रेवेन्यू जनरेशन के लिए काम नहीं करता। और दोस्तों, इसी लाइन में, इसी देशभक्ति वाली लाइन में उसने एक कदम और आगे उठाया है। और दोस्तों, टाटा के इस कदम से इंडिया की पड़ोसी कंट्री चाइना, जो हमेशा इंडिया से एक टशल में रहती है, चाहे वो बिजनेस को लेकर के हो, चाहे वो बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर के हो, उसको बहुत बड़ा झटका आगे लगने वाला है। अब दोस्तों, मैं इस वीडियो में इसी बारे में बात करूंगा कि टाटा ऐसा क्या कर रहा है कि जिससे इंडिया को काफ़ी बड़ी अचीवमेंट होगी और इंडिया आने वाले टाइम पे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी आगे बढ़ जाएगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आईफोन का कितना क्रेज है पूरे वर्ल्ड में, और एप्पल एक ऐसी कंपनी है जो अपने स्टैंडर्ड को बनाए रखती है और अपनी क्वालिटी के लिए जानी जाती है। और रिसेंटली आईफोन अपना आईफोन 14 लॉन्च करेगी वर्ल्ड वाइड। और दोस्तों, एप्पल कंपनी ये आईफोन्स को खुद नहीं बनाती है, वो क्या करती है, उसके पास 200 से ज़्यादा सप्लायर्स हैं, वो अपने इन सप्लायर्स से मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनवाती है और उनको असेंबल करती है अपने ब्रांड के अंडर। बेसिकली हम कहें कि ये मोबाइल में जो पार्ट्स लगते हैं वो अलग अलग कंपनियों से बनवा करके एप्पल अपने ब्रांड के अंडर उसको असेंबल कर देती है। बट एप्पल का काफ़ी हाई स्टैंडर्ड होता है क्वालिटी को लेकर के, हर कोई इसका सप्लायर नहीं बन सकता, हर कोई इसका चैनल पार्टनर नहीं बन सकता। दोस्तों, एट प्रेजेंट अभी एप्पल आईफोन के प्रोडक्शन के लिए चाइना और ताइवान पे डिपेंड करता है। इसका मैक्सिमम एप्पल का जो आईफोन आता है उसका प्रोडक्शन या असेंबलिंग हम अगर कहें तो चाइना में होता है, जो बेसिकली ताइवान की कुछ कंपनीज हैं वहाँ से उनके पार्ट सप्लाई होते हैं चाइना में, और चाइना में उसको असेंबल किया जाता है। अभी रिसेंटली क्या हुआ दोस्तों, इंडिया में तो आईफोन का प्रोडक्शन आप सबको पता है कि मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के अंडर इंडिया में एप्पल ने अपने कुछ प्लांट सेट किए, विस्ट्रॉन ने अपना एक प्लांट सेट किया और यहाँ पर प्रोडक्शन चल रहा है। बट अब जब नया मॉडल लॉन्च होगा आईफोन 14, तो एप्पल क्या चाहता है कि वो अपनी डिपेंडेंसी जो है वो चाइना पे कम करे। अब इसका रीज़न क्या है, आप सभी जानते हैं कि अमेरिका और चाइना के क्या रिलेशन है, क्या टसल चल रहा है दोनों के बीच, एक ट्रेड वॉर चल रही है, ट्रंप के टाइम से ट्रेड वॉर चल रही है। फिर अभी रिसेंटली क्या हुआ दोस्तों, नैन्सी पेलोसी ताइवान गई, उसकी वजह से चाइना और अमेरिका के जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुए। चाइना एग्रेसिव हो गया ताइवान पे कि वो कब अटैक कर देगा ताइवान पे हमें पता नहीं है, ताइवान पे हो सकता है कि कभी भी कब्जा कर ले वो। और दोस्तों, ताइवान एक ऐसी कंट्री है जो पूरे वर्ल्ड में सेमीकंडक्टर के लिए जानी जाती है, हाई क्वालिटी के सेमीकंडक्टर जो है वो ताइवान से सप्लाई होते हैं। और ये माना जाता है कि 80-90% जो सेमीकंडक्टर यूज़ होते हैं वो ताइवान से सप्लाई होते हैं। अब दोस्तों, अगर चाइना अटैक कर देगा ताइवान पे तो पूरी सप्लाई चेन खराब हो जाएगी सेमीकंडक्टर की। इवन जो एप्पल के लिए मेन सप्लायर्स हैं, जो तीन कंपनियों के नाम मैंने बताए आपको, फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन, ये ताइवान में हैं और ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग लाइन एप्पल की खराब हो जाएगी। अब दोस्तों, इसी से बचने के लिए एप्पल क्या कर रहा है कि अब वो चाइना पे डिपेंड नहीं करना चाहता है, वो कुछ नया ऑप्शंस देख रहा है। अब इस नए ऑप्शन में फ़ायदा किसको मिल रहा है, इंडिया को। एप्पल की पहली नज़र गई है इंडिया पे। अब दोस्तों, हम लोग मेड इन चाइना देख करके बहुत दुखी होते हैं, किसी भी फ़ोन पे देखो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम देखो तो मैक्सिमम मेड इन चाइना हमें दिखता है। अब दोस्तों, ये टाइम है जो हमारा मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट है उसको बूस्ट करने का, और टाटा फिर से एक देशभक्ति कॉन्सेप्ट पे आप चाहे कह दो या एक बिजनेस मॉड्यूल पे आप कह दो, टाटा ग्रुप फिर सबसे आगे निकला। और ये मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी पता चला है कि टाटा ग्रुप का जो है एक कन्वर्सेशन चल रहा है विस्ट्रॉन कंपनी से। विस्ट्रॉन पहले से इंडिया में है बट वो किसी इंडियन कंपनी के सपोर्ट के बिना इंडिया में काम नहीं कर सकती। तो विस्ट्रॉन ने टाटा से बात की है और एक बात आगे चल रही है इनकी कि विस्ट्रॉन इंडिया में टाटा के साथ मिलकर एप्पल के प्रोडक्शन में काम करेगा। अब दोस्तों, कुछ प्रोडक्ट्स ताइवान से आएंगे, कुछ इंडिया में बनेंगे, वो उन प्रोडक्ट्स को मिला करके उसको असेंबल किया जाएगा इंडिया में। और अब हो सकता है आप आगे जो आईफोन 14 लॉन्च होगा इस साल के एंड में, उसमें मेड इन इंडिया का टैग आप देखें। दोस्तों, ये इंडियन इकोनॉमी के लिए और इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी खबर है, तो इसको देख करके चाइना से और भी कंपनीज जो हैं वो उठ करके इंडिया में आएंगी, क्योंकि चाइना भी इतना स्टेबल नहीं रहा दोस्तों। वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का राज है, वहाँ पर कभी ना कभी कोई ना कोई महामारी आ जाती है, कोरोना दोबारा से उठ जाता है, कभी वहाँ पे लॉकडाउन लग जाता है, कभी वहाँ पे वॉर की सिचुएशन हो जाती है ताइवान की और चाइना की। तो चाइना अब स्टेबल नहीं है जो वर्ल्ड कॉरपोरेट है उसकी नज़र में। और दोस्तों, इसका बेनिफिट इंडिया को मिलेगा और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आगे टाटा देश को ऐसे ही सर्व करता रहे और वो करता रहेगा, और इंडिया आने वाले टाइम पे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक आइटम में काफ़ी बड़ा मैन्युफैक्चरर बनेगा, एक्सपोर्टर बनेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।